गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड क्योंकि बिट्टू दीदी घर पे आई हुई है तो मैं हमेशा सोचती हूँ कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती रहूँ जो उनको बहुत पसंद है। तो उनको पोहे बहुत पसंद है तो आज मैंने डिसाइड किया कि मैं आज नाश्ते में पोहे बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन कर दी। और मैं कैसे पोहे बनाती हूँ, तो यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर और मिर्ची हल्के एकदम पीसी वीसी ग्राइंड करके रख लिए। पोहे हैं उनको भिगो के रख लिया है। और थोड़े बहुत मसाले जो बहुत थोड़े से यूज़ होते हैं, हल्दी नमक, वो मैंने रख लिया है। तो पहले मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, क्योंकि बिट्टू दी बहुत ज़्यादा ऑयली खाती, इसलिए मैं थोड़ा ही डालूंगी। आप दो टेबल स्पून बोल सकते हो उसको। थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। दो टेबल स्पून आप डालोगे ना तो वो वैसे ही फटाफट से गर्म हो जाएगा। उसके बाद में मैं थोड़ी सी मूंगफली डालूंगी। थोड़ा सा इसको सेकेंगे। अगर आपको इसको क्रिस्पी रखना है ना तो पोहे बना इसको पहले निकाल लें और पोहे बनाने के बाद ऊपर से फिर से डालें, लेकिन हमें तो चाहता है तो इसलिए हम तो इसको इसके साथ ही डालेंगे। है ऑलरेडी तो उसको डालेंगे थोड़ा सा जीरा। बिट्टू देखो क्योंकि सौंफ बहुत पसंद है इसलिए डालेंगे थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी दही। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी काट के रखी हुई है। यहाँ पे मैंने प्याज रखा है, टमाटर और मिर्ची को मैंने एक साथ ही काट लिया है और सूखी हुई मिर्ची रखी है। तो सूखी हुई मिर्ची का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसलिए पहले तो डालूंगी। फिर पहले मैं टमाटर फ्राई करूंगी। बहुत से लोग पहले प्याज भी फ्राई करते हैं, बट क्या होता है ना कि प्याज बहुत ऐसे सिल जाते हैं पहले फ्राई करने से। थोड़े थोड़े से कच्चे रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है उसमें, इसलिए मैं पहले टमाटर फ्राई करती हूँ। टमाटर डालने के साथ ही मैं इसमें थोड़े से मसाले डालूंगी। पोहे बहुत ही सिंपल बनते हैं, इससे ज़्यादा मसाले नहीं डालती। थोड़ी सी हल्दी डालूंगी और मैं तो कुछ नहीं डालती, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। मैं सिर्फ हल्दी और नमक डालती हूँ और थोड़ा सा अगर गर्म मसाला आपको टेस्ट पसंद है, पोहे मसाला आज काफ़ी सारे आपके मसाले आते हैं तो आप डाल सकते हो। मैं सिर्फ नमक और हल्दी से पोहे बनाती हूँ, बाकी जो भी वेजिटेबल्स होते हैं उन्हीं का टेस्ट आना चाहिए। ये जो मैंने पोहे है ना इसको मैंने पहले धो के रख लिया था तो थोड़े से फूल भी गए, तो इसमें मैं क्या करती हूँ पहले ही इसमें थोड़ी सी वो डाल देती हूँ, हल्दी डाल देती हूँ। खट्टे मीठे घर पे चेतन को भी बहुत पसंद है और उनकी बहन को भी बहुत पसंद है, तो इसके हिसाब से बनेंगे। और मैं इसको थोड़ा मिक्स कर दूंगी। पोहे बनाने में ना सिर्फ 10 मिनट भी मुश्किल से लगते हैं। प्याज डालो, पेपर पेन, मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी क्योंकि मैं बैंगलोर से छोटे छोटे पाउच लेके आई थी, क्योंकि मैं बड़ा बैग में कैरी नहीं कर सकती थी तो मैं छोटे छोटे पाउच लेके आई थी। और ये मुझे वहाँ के बहुत मेरे फेवरेट कोई तेजू गरम मसाला है और ये कनाडा में भी लिखा हुआ है। ये एक्चुअली बहुत टेस्टी आते हैं, यहाँ के गरम मसालों जैसा टेस्ट नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं बहुत थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि बेंगलोर के जो साउथ के स्पाइसेस होते हैं वो तो होते ही अच्छे हैं। अच्छी खुशबू आई ना। प्याज को थोड़ा ही भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे ताकि थोड़ा सा कच्चा रहे।
फिर उसके बाद गोभी डाल देंगे। दर्शकों को दिखाना चाहिए। ताकि जल्दी से लड्डू गोपाल आपके घर में भी आए। तो पोहे तो हमारे देखो ऑलमोस्ट रेडी है, जस्ट 5 मिनट में पोहे बन जाते हैं। आपको सिर्फ चॉपिंग की जरूरत है, उसके लिए भी हैंड ग्राइंडर यूज करती हूँ मैं, तो उसमें भी 2 मिनट लगते हैं। और फटाफट से बना के मैं लेमन स्क्वीज करो, सर्व करो, दैट्स इट। इतने सिंपल से पोहे बनते हैं, लेकिन उनका जो टेस्ट आता है ना वो अमेजिंग आता है। उसमें ग्रीन धनिया डाल सकते हो, मेरे पास हाल फिलहाल नहीं है तो मैं नहीं डाल पाऊंगी, बट आप इसमें ग्रीन धनिया डाल सकते हो। हम भुजिए के साथ खाते हैं, बीकानेर के हैं तो भुजिए पसंद है ज़्यादा, तो हम भुजिए के साथ खाते हैं। आपको जैसा भी टेस्ट पसंद हो आप वैसे टमाटर, मिर्ची, आलू, जो भी वेजिटेबल आपको डालनी हो जैसे भी डालनी हो बना के खा सकते हैं। मैं कैसे बनाती हूँ घर पे, बिट्टू देखो कैसे पसंद है वो मैंने बताया, तो अगर आपको पसंद आते हैं तो बनाइए और खाइए। और साथ में आपने डाला है अपना खूब सारा प्यार, तो ये ऑब्वियसली बहुत टेस्टी बने होंगे। हाँ हाँ हाँ, चलो भाई सर्व कर दो जल्दी से।